ये बड़ू बेड़ा नहीं ना ये क्राउड उसके लिए नहीं इसका चाहिए उसको ही नहीं मिलता मेरे मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज जो यहां पर मित्तल ग्राउंड में कुल हिंद एहतजाजी मुशायरे का जो आयोजन किया गया है, इसका जो है जायज़ा लेने के लिए यहां कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड जो है पहुंचे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, आज जो यहां पर मुशायरा होने वाला है यहाँ पर, तो इस मुशायरे को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, हर साल हम करते ये मुशायरा, लेकिन इस साल देश के ऐसा कि मुशायरा हो, कवि हो, गीत हो, जो भी लिखता है वो सामने समाज में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो आँख के सामने दिमाग में लेके लिखता है। एक कहावत है कि जहाँ रवि नहीं पहुँच सकता है वहाँ कवि पहुँचता है, कवि यानी शायर। तो ये मुशायरे के माध्यम से जो एहतजाजी मुशायरा हो रहा है, ये देश में NRC NRP CA और जो द्वेष मूल्य का राजनीति चालू है, जो अपने चरम पे है, फैसिस्ट शक्तियाँ जो आज बहुत ताकत से काम कर रही है, उनको रोकने के लिए जो निशस्त्र अहिंसा की लड़ाई इस देश में शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि संविधान को बचाने के लिए जो कुछ करना है वो हम कर रहे हैं। मैं तो पूरे भारत में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़ख्र है और मैं पहला ही कह देता हूँ कि मुमरा के जज्बात को हत सलाम, ये पूरे देश में दिख रहा है और इसमें कहीं भी राजनीति नहीं हो रही है। मुझे फ़ख्र इस बात का है कि कोई भी मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि इस्लाम खतरे में है। हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, एक हर बुद्धिस्ट ये कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और संविधान खतरे में। ये लड़ाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गोलवलकर के विचारधारा के बीच में शुरू हो गई है। हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और संविधान बचाना है, ताकि जब संविधान बचेगा तो समता और बंधुत्व, जिसके ऊपर ये संविधान खड़ा है, वो बचेगा। दुनिया में, देश में कहीं द्वेष रहेगा ही नहीं। सर, जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि इस मुशायरे में जो है कुछ बड़ी शख्सियत आने वाली है, तो कौन कौन से लोग हैं जो आने वाले? कौन आने वाला, इससे कुछ नहीं होता। वो सामने वाले कितने आने वाले, उससे ऊपर पूरा माहौल तैयार होता है। सर, जिस तरह से मुशायरे का आयोजन किया गया है, जो शमीम खान है जो आयोजक किए, जिस तरह से बंदोबस्त किए, तो इनके लिए क्या कहेंगे? ये हमारा यहाँ का शूटर है, हमारा बाप है। वो जो बोलेगा मैं करूँगा। वो बोला मत आओ तो मैं नहीं आऊँगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड हैं, उनका कहना है कि जो ये मुशायरा हो रहा है, इस मुशायरे को लेकर जो है ये एहतजाजी मुशायरा है। जिस तरह से CAA और NRC और NPR जिस तरह से जो सरकार ला रही है, उसके खिलाफ जो है इस मुशायरे का जो है यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।